नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि गोदी मीडिया कमज़ोर हो, कॉरपोरेट मीडिया का जो प्रभाव है वो कम हो, तो इसके लिए आपको स्वतंत्र पत्रकारिता की ताकत बनना होगा, उसके साथ आना होगा। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना इसी दिशा में उठाए गए एक कदम है। इसमें आपका आर्थिक योगदान स्वतंत्र पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करेगा। इसके लिए हमने वीडियो के साथ दिए गए डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी रखी है, आप कृपया उसको क्लिक कीजिए और भुगतान कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खास खबरों पर एक नज़र। कांग्रेस ने पायलट को दोनों पदों से हटाया, गहलोत का पलड़ा भारी। पायलट क्या करेंगे अब, बीजेपी में जाएंगे या नई पार्टी बनाएंगे? चीन ईरान ने दिया झटका, चाबहार रेल प्रोजेक्ट से भारत बाहर। प्रयागराज में मंत्री की दादागिरी, भगवा रंग से रंगवा दी पूरी गली। यूपी पुलिस में उल्टा पुल्टा, लगातार बदलते फैसलों पर उठे सवाल। खास खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के विश्लेषण का। सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, कांग्रेस पार्टी ने बागी तेवर दिखला रहे सचिन पायलट पर कड़ी कार्रवाई की है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दोनों ही पदों से हटा दिया गया है। पायलट के अलावा उनके समर्थकों विश्वेंद्र सिंह और रमेश मीणा को भी मंत्रिमंडल से हटा दिया गया है। गोविंद सिंह डोटसारा को पायलट की जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। कांग्रेस ने पायलट के एक मजबूत समर्थक और विधायक मुकेश भाकर को राजस्थान युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी हटा दिया है। भाकर ने ट्वीट करके कहा था कि कांग्रेस में निष्ठा का मतलब है अशोक गहलोत की गुलामी और हमें ये मंजूर नहीं। भाकर लाडनू सीट से विधायक हैं। सुरजेवाला ने कहा, कांग्रेस नेतृत्व ने सचिन पायलट से दो बार बात की, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस कार्यसमिति के वरिष्ठ सदस्यों ने भी कई बार पायलट से बात की। हमने पायलट और अन्य विधायकों से अपील की कि उनके लिए सारे दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन वे बीजेपी के षड्यंत्र में फंसकर राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश में शामिल हो गए। सुरजेवाला ने कहा कि इसे कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं सचिन पायलट ने ट्विटर के परिचय को बदल लिया है। ट्विटर पर उन्होंने डिप्टी सीएम को हटाकर टोंक विधायक लिख दिया है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट किया है, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि पायलट को इतनी भी बुद्धि नहीं है कि अपनी ही सरकार से फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं की जाती और उन्होंने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। उन्होंने ये भी कहा कि पायलट पिछले 6 महीनों से बीजेपी से मिलकर सरकार गिराने की साजिश रच रहे हैं। तो इस पूरे प्रसंग से एक बात साफ हो गई कि अब पायलट के लिए कांग्रेस के अंदर जगह नहीं बची है। वो जिस तरह की जिद पकड़े हुए थे, जिस तरह की मांगे कर रहे थे, उनको पूरा करना कांग्रेस ने सही नहीं समझा, मुनासिब नहीं समझा। 30 विधायकों या 20 विधायकों के बल पर इसे एक तरह का ब्लैकमेल माना गया। और जाहिर है कि कोई भी पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी और ख़ास तौर से जब दूसरे समूह के पास इतने सारे नंबर में विधायक हों, गहलोत का दावा है कि 109 विधायक हैं, अगर उससे कम भी हुए तो भी मैं पायलट के मुकाबले कहीं 3 या 4 गुना ज़्यादा विधायक तो उनके पास हैं ही। तो इसलिए इस तरह की दबाव में और खुल्लम खुल्ला ब्लैकमेलिंग में, क्योंकि ये बार बार पायलट को मीटिंग में बुलाकर अपनी बात रखने, उसका समाधान करने की प्रस्ताव दिए गए, बड़े बड़े तमाम नेताओं ने बात की लेकिन वो नहीं माने, तो इसका मतलब है कि वो किसी के हाथों में खेल रहे हैं, बीजेपी के षड्यंत्र के हिस्से हैं और इसलिए उन्होंने इस तरह के समझौते की कोई गुंजाइश नहीं देखी। वो पार्टी तोड़ना चाहते हैं, ये स्पष्ट लग रहा है, सरकार गिराने की कोशिश में है और बीजेपी पीछे से उनका सपोर्ट कर रही है। तो ये अब कुछ चीज़ें साफ हो गई हैं। अब पायलट के लिए कांग्रेस में जगह नहीं होगी, उन्हें आज नहीं तो कल निकाला जाएगा या उन्हें अपना रास्ता खुद तय करना पड़ेगा। तो अब राजस्थान की तस्वीर जो है उतनी उलझी हुई नहीं है। एक बात बहुत साफ है कि राजस्थान कांग्रेस पर गहलोत का दबदबा है, उनकी जो विधायक की संख्या है उनके पास है, उनके साथ है। सरकार बहुमत सिद्ध कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या उसके पास बहुमत है या नहीं है, ये अभी तय होना बाकी है। क्योंकि जिस तरह से सचिन पायलट दावा कर रहे हैं
कि उनके पास 30 विधायक हैं, हालांकि जो वीडियो उन्होंने जारी किया था उसमें कुल मिलाकर 16 विधायक दिख रहे थे, 30 नहीं दिख रहे थे। तो अगर ये जो नंबर का खेल है वो ज़रा उलझा हुआ है, लेकिन ये तस्वीर साफ होने में थोड़ा वक्त भी लगेगा। अलबत्ता ये कहा जा सकता है कि अब पायलट को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अगली खबर लेते हैं, ये भी राजस्थान से ही जुड़ी हुई है। राजस्थान के डिप्टी सीएम और प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद सचिन पायलट अब क्या करेंगे? वो अभी कांग्रेस में हैं लेकिन पार्टी छोड़ते हैं तो उनके जाने से कांग्रेस को क्या और कहां नुकसान होगा? कांग्रेस उसे भरने के लिए क्या कोशिश करेगी? ये सारे सवाल उठने लगे हैं। वहीं अगर सरकार की बातें करें तो जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के पास अभी इतने नंबर हैं कि वो सरकार बचा लेगी, लेकिन लंबे समय तक सरकार चला पाएगी इसमें शंका है। इसके अलावा पायलट के बारे में कहा जा रहा है कि वो अपनी पार्टी बना सकते हैं, जाने को तो वे बीजेपी में भी जा सकते हैं, मगर उनके समर्थक विधायकों में से अधिकांश इसके लिए तैयार नहीं हैं, वो बीजेपी में जाने का विरोध कर रहे हैं। वहीं पायलट के जाने से कांग्रेस के लिए एक घाटा ज़रूर होगा, क्योंकि राजस्थान चुनाव में जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और सचिन पायलट के कांग्रेस में जाने के बाद कांग्रेस के पक्ष में जो जाति समीकरण है वो भी अब बदलेगा। सचिन पायलट गुर्जर नेता है, उन्होंने गुर्जर मीणा एकता के लिए काफ़ी काम किया था, उनके पक्ष में भी रमेश मीणा खुलकर बोल रहे हैं। इससे अगर जाति समीकरण की बात करें तो राजस्थान में 49 ऐसी सीटें हैं जहाँ मीणा गुर्जर जातियों का वर्चस्व है और विधानसभा चुनाव में सचिन ने इनमें से 42 सीटों पर दर्ज कराई थी। वजह थी गुर्जर मीणा गठजोड़। इसके अलावा उनके पक्ष में जाट नेता विश्वेंद्र सिंह भी हैं, जिससे जाट भी कुछ हद तक बटेंगे। तो जाति के हिसाब से कांग्रेस के लिए एक बड़ा घाटा है, दूसरे नेताओं के लिए इस गैप को भर पाना जरा मुश्किल काम होगा। तो अब बहुत सारे कैलकुलेशन चलेंगे, बहुत सारे नए समीकरण बनेंगे, टूटेंगे, ये जाहिर है कि होगा, लेकिन ये ज़रूर है कि अगर पायलट के पास इतने विधायक नहीं हैं कि वो सरकार गिरा पाए, तब वो उनकी नैया अधर में फंस जाएगी, क्योंकि तब उनके विधायकों को निष्कासित किया जाएगा और उनको फिर बाई इलेक्शन में जीतना बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, क्योंकि तब सरकार होगी, सरकार की मशीनरी होगी, और उनमें से अगर कांग्रेस ने कुछ सीटें वापस जीत ली तो फिर पायलट के लिए रास्ता भी बंद हो जाएगा। तो पायलट के लिए अब राह बहुत कठिन है। अगर उनके पास 30 विधायक नहीं हैं तो उनके पास विकल्प भी बहुत सीमित है। अंततः उन्हें बीजेपी में जाना पड़ सकता, अपनी पार्टी बनाना और राजस्थान में उसको चलाना ये बहुत मुश्किल काम होगा अपने दम पर। अभी कांग्रेस का संगठन था, कांग्रेस का नाम था, इतने सारे नेताओं का जमघट था, उसमें उस पार्टी में एक जीत हासिल कर लेना अलग बात है और अपनी एक नई पार्टी बनाकर उसे खड़ा करना एक दूसरी चुनौती है, जो सचिन पायलट अभी शायद नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक दो जाति समीकरणों के बन जाने से वो बात नहीं बनती। गहलोत भी नए समीकरण बनाएंगे, नए लीडर्स को जोड़ेंगे, नई जातियों को जोड़ेंगे, तो उनके पास भी इसका कोई गेम प्लान हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि पायलट ने अभी तक के एपिसोड से ऐसा लगता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, अपने जो भविष्य उनका चमकदार हो सकता था उस पर अभी प्रश्न चिन्ह लग गया है, क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद भी उन्हें क्या मिलेगा ये स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अभी तो उनकी सरकार नहीं है। अगर वो केंद्र में कोई ऑफर मिलता है तो वहाँ कुछ कर सकते हैं, लेकिन प्रदेश की राजनीति में अब उनके लिए बहुत ज़्यादा करने की गुंजाइश नहीं रहेगी, अगर राजस्थान सरकार गहलोत सरकार बनी रहती है तो। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में दर्ज करा रहे होंगे। ईरान ने अहम समझौते से भारत को अलग कर दिया है। 4 साल पहले हुए इस समझौते के तहत दोनों देश चर्चित चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा तक सटे जाहेदान तक करीब 628 किलोमीटर लंबी रेल लाइन बिछाने वाले थे, लेकिन अब ईरान ने ये काम अकेले ही करने का फैसला कर लिया है। उसने इसके पीछे की वजह परियोजना के लिए भारत से मिलने वाले फंड में हो रही देरी को बताया है। इस रेल परियोजना को ईरानियन रेलवेज और इंडियन रेलवेज कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इरकॉन मिलकर पूरी करने वाले थे। ये भारत, ईरान और अफगानिस्तान के बीच हुए एक त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। इसका
मकसद था अफगानिस्तान और मध्य एशिया में व्यापार के लिए भारत को एक वैकल्पिक रास्ता देना। ईरान का ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब उसने चीन के साथ 400 अरब डॉलर की एक साझेदारी को अंतिम रूप दिया है। ये 25 वर्षों की साझेदारी होगी, सामरिक साझेदारी होगी और बहुत ही कंक्रीट बड़ी ठोस का साझेदारी की बात की गई है जो इसके डिटेल सामने आ रहे हैं। उधर विपक्षी कांग्रेस ने इसे लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। पार्टी नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ट्वीट में कहा है कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। उनका कहना है भारत को चाबहार बंदरगाह परियोजना समझौते से बाहर कर दिया गया। ये मोदी सरकार की कूटनीति है जिसमें काम हुए बिना तारीफ हो जाती है। चीन ने चुपचाप काम किया लेकिन उन्हें बेहतर डील दी। भारत का बड़ा नुकसान लेकिन आप सवाल नहीं कर सकते। हर मोर्चे पर मोदी सरकार, कूटनीतिक मोर्चे पर, अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति वहाँ और आर्थिक मोर्चे पर भी लगातार धक्के पर धक्के खा रही है, फेल कर रही है। और ये एक बड़ा मूव था उस समय, ये माना जा रहा था जब चाबहार में ये समझौता हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे, ईरान के राष्ट्रपति भी वहाँ पर थे, अफगानिस्तान के भी राष्ट्रपति थे और एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। और इससे बड़ी उम्मीदें जाहिर की जा रही थी, और केवल इसलिए नहीं कि ये भारत को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है और ईरान से दोस्ती मजबूत होगी, वहाँ से भारत के लिए जो रास्ते हैं वो छोटा हो जाएगा वगैरह वगैरह, ये तो था ही। लेकिन इससे बड़ी बात ये भी थी कि वहीं से पाकिस्तान के 78 किलोमीटर दूर जो पाकिस्तान का हवाई अड्डा है वो भी है। तो एक सामरिक दृष्टिकोण से भी ये जो प्रोजेक्ट था भारत के लिए बहुत ज़रूरी था, बहुत महत्वपूर्ण था। और ईरान से जो संबंध थे वो इससे प्रगाढ़ होने वाले थे। लेकिन चीन ने, एक तो अमेरिकी दबाव में भारत ने पहले ही ईरान से अपने रिश्ते ख़राब कर लिए थे, एक तो जो सैंक्शन लगाए गए थे ईरान पर उनकी वजह से भारत ने उससे तेल खरीदना बंद कर दिया था, फिर दूसरे तरह की रुकावटें आने लगीं, और फिर ये अमेरिकी डर से भारत ने इस प्रोजेक्ट को आगे भी नहीं बढ़ाया, जिससे ईरान को निराशा हुई और उसे लगा कि भारत तो ये कर ही नहीं पाएगा। तो चीन ने एक और बड़ी मोटी भारी भरकम 400 अरब डॉलर की डील उसको सामने रख दी। और इस समय ईरान तमाम तरह के आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, तो उसने उस डील को लपक लिया। तो अब ईरान और चीन का एक बढ़िया गठजोड़ वहाँ बन रहा है और भारत का जो गठजोड़ बन सकता था वो टूट रहा है। तो ये भारत के लिए एक पूरे मध्य पूर्व की राजनीति में, पश्चिम एशिया की राजनीति में एक बड़ा झटका है और निश्चित रूप से इससे प्रभावित होगा। ईरान की एक नाराज़गी ये भी है कि भारत में जिस तरह से मुसलमानों के साथ मोदी सरकार पेश आ रही है, उन पर जुल्म व सितम कर रही है, इस्लामोफोबिया खड़ा कर रही है वो और उनकी पार्टी, तो उससे भी वहाँ नाराज़गी है। पूरे मिडिल ईस्ट में, खाड़ी के देशों में भी नाराज़गी है। तो ये तमाम पहलू हैं उसके, जिसकी वजह से ये कूटनीतिक पराजय भारत को, आप देखिए कि सारे पड़ोसी देशों से अब एक एक करके भारत के संबंध ख़राब हो रहे हैं। अफगानिस्तान में भी यही आशंका है कि जैसे ही तालिबान वहाँ मजबूत होंगे भारत वहाँ से भी बेदखल हो जाएगा। तो एक बहुत ही ये कहना चाहिए निराशाजनक फैसला आया है ईरान का, जिससे भारत सरकार को सोचना चाहिए, अपनी पूरी जो कूटनीति है उसके बारे में उसको पुनर्विचार करना पड़ेगा। जो अमेरिकी परस्त होती जा रही है सरकार, उससे क्या क्या नुकसान होंगे उसे ज़रा नापना तौलना पड़ेगा। अगली खबर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी की दादागिरी का अजब नज़ारा देखा जा सकता है। उन्होंने अपने घर के आसपास के सभी घरों को भगवा रंग में रंगवा दिया है। इसके साथ ही इन घरों में देवी देवताओं की तस्वीरें भी बनाई जा रही हैं। जो लोग इस भगवाकरण पर एतराज़ जता रहे हैं उनके साथ ज़ोर ज़बरदस्ती की जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं और साथ ही उनके घरों पर मंत्री के करीबियों की तरफ से पथराव भी किया जा रहा है। इलाके के दो लोगों ने तो मंत्री के परिवार वालों और समर्थकों के खिलाफ पुलिस में FIR भी दर्ज करा दी है। मामला पुलिस में पहुंचने के बाद मंत्री ने अपनी सफाई पेश की है। नंदी का कहना है कि वो इलाके का सौंदर्यीकरण कर रहे हैं, पूरे इलाके को आध्यात्मिक लुक देना चाहते हैं। इमारतों और उनकी दीवारों की
को सिर्फ भगवा रंग में ही नहीं रंगा जा रहा, बल्कि तस्वीरों को बनाने में दूसरे रंगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद मामला अब सियासी तौर पर तूल पकड़ने लगा है। समाजवादी पार्टी ने मंत्री और उनकी सरकार पर भगवाकरण के जरिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम दे दिया है। खास बात यह कि भगवाकरण के आरोपी मंत्री के पास अल्पसंख्यक मामलों का विभाग है। नंदी से पहले उनके विभाग के राज्य मंत्री मोहसिन रजा हज हाउस को की बिल्डिंग को भगवा रंग में पुतवाकर विवादों में घिर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि मंत्री जी ऐसा योगी जी को खुश करने के लिए कर रहे हैं, तो हो सकता है योगी आदित्यनाथ इस तरह की चीज़ों से खुश होते हों और उनको खुश करने की कोशिश हो रही हो। लेकिन इससे बड़ी राजनीति इसमें यह है कि कैसे जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको आगे बढ़ाया जाए। हिंदुत्व के जो प्रतीक हैं, चाहे वो रंग के रूप में हो, चाहे देवी देवताओं की तस्वीरों के रूप में हो, उसको कैसे तमाम समाज पर थोपा जाए, चाहे वो हिंदू समाज के ही लोग क्यों ना हो या मुस्लिम समाज के लोग हों, कैसे उन पर थोपा जाए और उससे जो टकराव पैदा हो, जो वैमनस्य पैदा हो, नफरत पैदा हो, हिंसा पैदा हो, उससे अपने वोट बैंक को कंसोलिडेट किया जाए। तो ये ध्रुवीकरण की राजनीति के हथकंडे हैं जो नंदी वहाँ पर आजमा रहे हैं। निश्चित रूप से ये न तो उत्तर प्रदेश का इससे भला होना है कोई, ना ये विकास कार्य नहीं है किसी भी तरह का, ना ही इसे सांस्कृतिक कार्यक्रम कह सकते हैं, ना ही इसे सौंदर्यीकरण कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही घटिया किस्म का सौंदर्य बोध होगा नंदी साहब का और उनकी पार्टी का, अगर हर जगह भगवा रंग ही वो पुतवाते चले और उसी तरह के देवी देवताओं के तस्वीरें सब जगह बनवाते रहे। इसकी ज़रूरत नहीं है। बनारस में ढेर सारे मंदिर हैं, उनमें देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं, लोग अपने धर्म काम कर्म के लिए वहां जा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पुतवाना और फिर उनकी रक्षा न करना, तो ये देवी देवताओं का भी अपमान है, उसमें कुछ भी गंदगी लग सकती है। तो ये सारे पहलू हैं जिस पर सोचा जाना चाहिए, लेकिन ये सांप्रदायिक एजेंडे का हिस्सा है, ये इसकी बॉटम लाइन है। इसकी जो मुख्य बात है वो यही है, ये सांप्रदायिक नियत से ये सब करवाया जा रहा है और सांप्रदायिक राजनीति को आगे बढ़ाना इसका एकमात्र मकसद है। और आइए अब आज की आखिरी खबर लेते हैं। कानपुर के बिकुरू गांव में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाले विकास दुबे और उसके 5 साथियों के एनकाउंटर के बाद से यूपी पुलिस लगातार सवालों के घेरे में है। लेकिन अब बिकरू गांव में लूटे गए हथियार बरामद करने के उसके दावे पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। यूपी पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक प्रशांत कुमार ने बताया कि विकास दुबे के घर से AK-47 और शशिकांत पांडे के घर से इंसास राइफल मिली है। उन्होंने इसे पुलिस की बड़ी सफलता बताया है। हैरत की बात यह है कि AK-47 राइफल विकास दुबे के उसी घर से मिली है जिसे वारदात के अगले दिन पुलिस ने बुलडोजर से गिरा दिया था। गिरफ्तार शशिकांत विकास दुबे के कथित मामा प्रेम कुमार पांडे का बेटा है। प्रेम कुमार पांडे को कानपुर पुलिस ने वारदात के बाद एनकाउंटर में मार दिया था। शशिकांत का घर बिकरू गांव में विकास के ठीक बगल में है, जहां पुलिस ने वारदात के बाद जमकर तलाशी ली थी और 2 बार तलाशी ली थी। अब पुलिस जवाब नहीं दे पा रही कि शशिकांत के 2 कमरे के घर में उसे कहां से इंसास राइफल मिल गई। इससे ठीक एक दिन पहले पुलिस ने मुंबई में पकड़े गए विकास के 2 साथियों को वारदात में शामिल न होने की बात करते हुए क्लीन चिट दे दी थी और सवाल खड़े होते हैं कि उन्हें फिर से वांछित बताते हुए रिमांड पर ले लिया गया। विकास दुबे के एक अहम साथी अमर दुबे को पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था और उसकी 9 दिन की ब्याहता खुशी को साजिश में शामिल बताकर जेल भेज दिया था। जब काफ़ी थूथू हुई तो उसके बाद पुलिस ने उसे भी क्लीन चिट देते हुए अब उसकी रिहाई की पैरवी शुरू कर दी है। प्रदेश सरकार ने तमाम आरोप लगने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल की अध्यक्षता में जाँच कमेटी गठित कर दी है। इससे पहले योगी सरकार ने वरिष्ठ IPS अधिकारी संजय भूस रेड्डी की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय SIT गठित कर उसे 31 जुलाई तक मामले की रिपोर्ट देने को कहा है। हालांकि सरकार द्वारा गठित SIT की में एक अधिकारी DIG जे रविंदर गौड़ पर फेक एनकाउंटर करने की चार्जशीट पहले ही दायर हो चुकी है। ये चार्जशीट CBI ने 13 साल पहले दायर की थी। मामला था बरेली के एक युवा दवाई डीलर के एनकाउंटर का।
तो आप देखिए कि चूंकि उत्तर प्रदेश पुलिस लगातार झूठ पर बोल रही है, झूठ पर झूठ बोल रही है, और जो एनकाउंटर उसने किए हैं वो ज़्यादातर फेक एनकाउंटर हैं, ज़बरदस्ती के एनकाउंटर हैं, इसलिए अब वो पूरे मामले को जो बढ़ाने के लिए, पकाने के लिए तरह तरह के सबूत जुटा रही है, झूठे सच्चे सबूत, बट तो उनमें एक सिलसिला नहीं बन रहा है। जिन पर आरोप लगा रही है बाद में उन्हें निर्दोष बता रही है और फिर उनके खिलाफ मामले दर्ज कर रही है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये दरअसल पूरा खेल क्या है। पूरा खेल ये है कि कैसे अब विकास दुबे का जो फर्जी एनकाउंटर हुआ है उसको एनकाउंटर साबित किया जाए और जो उसके पहले 5 लोग मारे गए हैं उनके एनकाउंटर को भी जस्टिफाई किया जाए। अब ये हथियार कहाँ से आए, क्यों रखे गए, कहाँ से मिले, इन सब को लेकर भी प्रश्न आप प्रश्न ही कर सकते हैं क्योंकि जांच का अधिकार आपको नहीं है। पुलिस और जो इन्वेस्टिगेटिव टीम SIT है वो जांच करेगी। जस्टिस अग्रवाल को भी एक जांच का मुखिया बना दिया गया, लेकिन वो क्या जांच करेंगे इसमें भी संदेह है क्योंकि जाँच तो आखिरकार UP सरकार के देखरेख में ही होनी है, उसके एजेंडे के तहत ही होगी, इसलिए संदेह के बहुत गहरे बादल मंडरा रहे हैं। इस जांच से हम कोई भी उम्मीद न रखें तो बेहतर होगा। ये जांच पूरी तरह से प्रायोजित है, सुनियोजित है और इसके निष्कर्ष भी पहले से तय हैं। आप 31 जुलाई का इंतज़ार कीजिए, देखिएगा कि पुलिस के रिजल्ट क्या कहते हैं, इस जाँच के नतीजे क्या कहते हैं। और आइए अब बुलेटिन खत्म करने से पहले कोरोना से संबंधित कुछ आपको खबरें भी बता दें और कुछ न्यूनतम नवीनतम जानकारी भी दे दें। WHO ने चेतावनी दी है कि कोरोना से हालात अभी बद से बदतर होंगे। उसके मुताबिक कुछ देशों ने अच्छा काम करके उस पर कंट्रोल किया है, मगर कई मुल्कों में बहुत ख़राब काम हो रहा है, बहुत वहाँ से ख़राब रिपोर्टें मिल रही हैं। बिहार सरकार ने कोरोना वायरस की वजह से बिहार में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। बिहार में आगामी 16 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि कोरोना वायरस की वजह से इस साल 13 करोड़ लोग भुखमरी के शिकार हो सकते हैं। तो सिर्फ कोरोना वायरस की वजह से भुखमरी होगी, बाकी जो भुखमरी होती है दूसरी वजहों से वो अपनी जगह पर, वो आंकड़े अलग हैं, तो ये एडिशनल है, अतिरिक्त हैं। देश में संक्रमितों का आंकड़ा 9 लाख के पार चला गया है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,31,00,000 के पार चला गया है। तो मित्रों, ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए, कल मैं फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।